नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे को नए वीडियो पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जबरदस्त लाजवाब ओल्ड हिट सॉन्ग ये दिल तुम बिन लगता नहीं हम क्या करें। तो अगर आप भी आसानी के साथ इस सदाबहार गीत को अपने कैसियो या आपके पास जो भी कीबोर्ड है उस पर बजाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सीखते हैं गाने को अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, गाने का जो सबसे पहला पार्ट है, इस गाने का जो मुखड़ा है उसको हम अपने कीबोर्ड के ऊपर पहले बजाना सीखेंगे। तो किस प्रकार से इस गाने का मुखड़ा है, पहले इतना हम स्लो में करके सीखते हैं किस प्रकार से इसको बजाएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई है गाने की, ए शार्प बटन कहेंगे इसे हम, पांचवी काली। तो किस प्रकार से, स्लो में करके सीखेंगे किस प्रकार से बजाया है। चार बटन यूज किए हैं इस लाइन में हमने, फिर तो किस प्रकार से बजाएंगे सुन करके सीखते हैं। अब इसके बाद जो इसकी अगली लाइन है उसको किस प्रकार से बजाएंगे, तो सुन करके सीखेंगे इस वाली लाइन को किस तरीके से बजाना है। किस प्रकार से वाला लाइन बजाएंगे सुन करके एक बार और सीखते हैं। फिर सुलभ करके इस वाले लाइन को सीखते हैं किस तरीके से बजाना है। एक बार और, तो यहीं पर हमारा मुखड़ा पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस गाने का मुखड़ा बजाना आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो अब पूरे मुखड़े बार को एक बार और सुलभ करके सीखते हैं। अब जो अगली लाइन है मेल आवाज में वो किस प्रकार से है, तो दोस्तों अब इस गाने का अंतरा आ जाता है। तो अंतरा किस प्रकार से है, तो पहले इतना हम स्लो में करके सीखेंगे किस प्रकार से इसको बजाना है। तो यहां से स्टार्टिंग होगी अंतरे की, सी शार्प बटन पहली काली से, स्लो में करके सीखते हैं। अगली लाइन में फिर, तो दूसरी लाइन में हमको यहां पर डी शार्प बटन
और एफ नोट का भी यूज लेना है, तो किस प्रकार से दोनों लाइनों को एक बार और सीखते हैं अंतरे की। और दूसरी लाइन फिर इसके बाद की जो अगली लाइन है किस प्रकार से बजाई जाएगी। तो सुर में करके अंतरे की लास्ट वाली लाइन को सीखते हैं किस प्रकार से बजाना है। तो पहले इतना सीखते हैं किस प्रकार से बजाना है। एक बार और सुर में करके सीखते हैं। फिर इसके बाद की जो अगली लाइन है वो सेम ही मुखड़े पार्ट के तरीके से बजाई जाएगी, जैसे हमने मुखड़े पार्ट में एक पैटर्न सीखा था सेम उसी तरीके से। तो एक बार इसको और हम सीख लेते हैं किस प्रकार से इसको बजाना है। तो दोस्तों यहीं पर हमारे गाने का जो अंतरा है वो भी पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब अंतरे को भी एक बार हम और पूरा सीख लेंगे ताकि आपको बेहतरीन तरीके से बजाना समझ में आ जाए और गाना भी अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो किस प्रकार से इसका अंतरा बजाएंगे एक बार और। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सदाबहार गीत को अपने कैसियो हारमोनियम कीबोर्ड के ऊपर बजाना समझ में आ गया होगा। और साथ ही आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने हमारे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए उस बेल वाले आइकन को ऑल पे, ताकि हमारे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास बिना किसी देरी के। तो ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और गाने के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।